छत्तीसगढ़ पावर स्टेट कंपनी में कार्यरत समस्त संविदा विद्युत कर्मचारी द्वारा अपने द्विसूत्रीय मांगों एवं 23 अप्रैल 2022 को अमानवीयता के साथ शांतिपूर्ण गांधीवादी विचारधारा के साथ आंदोलन कर रहे निहत्ते विद्युत संविदा कर्मियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बाबरतापूर्वक बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया गया एवं आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न धाराओं में विद्युत संविदा संघ के प्रतिनिधि एवं साथियों पर गलत गलत धारा में अपराध दर्ज किए गए, जिसके विरोध एवं अपने द्विसूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के 91 दिन प्रदेश के 32 जिलों के 28 जिला मुख्यालयों का घेराव विद्युत संविदा कर्मियों एवं परिजनों द्वारा व्यापक रूप से किया जाएगा। 50 दिनों से विद्युत संविदा कर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 मिनट का समय मांग रहे हैं ताकि अपने दयनीय स्थिति से उन्हें अवगत करा सके, किंतु अभी तक माननीय मुख्यमंत्री अपने ऊर्जा विभाग के विद्युत संविदा कर्मियों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं। बिलासपुर से अखिल हुसैन की रिपोर्ट।